हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं निफ्टी कहाँ पर कल मूवमेंट कर सकता है, बैंक निफ्टी में आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो। और कल मंडे है तो फिर मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो उसको भी आप कैसे रीड कर सकते हो। वीडियो पूरा कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, सो दैट आप कल उस अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सको। तो यहाँ पर हम लोग पहले निफ्टी का चार्ट एनालाइज कर रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर जाए तो फिलहाल हम लोगों को रजिस्टेंस जो है वो 22,200 पर दिखाई दे रहा है, और हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो ग्रे कलर का बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है। तो ग्रे कलर का बॉक्स का मीनिंग क्या है? तो ग्रे कलर का बॉक्स जो है वो हाईएस्ट वॉल्यूम इन द मनी पर बना हुआ है, यानी कि निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेस होकर के नीचे आ सकती है, दैट्स इट, इतना ही होता है, ठीक है। और आपको डेली एनालिसिस वीडियो अगर ऐसे ही देखने हैं तो मैं हर दिन आपको एनालिसिस वीडियो और लर्निंग वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर प्रेस जरूर कर दीजिए। ये वीडियो को लाइक अभी से कर देना क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मैं स्टॉक मार्केट का बिजनेस मॉडल तैयार कर रहा हूँ जिससे कि आपको ट्रेड करना, स्पेसिफिक ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा, तो उसके लिए अपडेट भी आपको मिलता रहेगा इस चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना है मुझसे, आप सब कुछ स्टॉक मार्केट, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सब कुछ अगर सीखना चाहते हो एलटीपी कैलकुलेटर के साथ, तो आप कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, वहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेज सकते हो और अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर सकते हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट वॉल्यूम की, तो वो इन द मनी में जा चुका है, लेकिन हम लोग रजिस्टेंस जो है वो 22,200 को हम लोग अभी वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। वीकली रेंज हम लोग आज ट्रेड करने वाले, वीकली रेंज में अगर हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 22,300 पर रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है वो सपोर्ट 21,691 यानी कि 700 के आसपास हम लोगों को वीकली सपोर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग चार्ट में प्राइस एक्शन की बात करें तो आपको ट्रेड जो है वो यहाँ कहीं पर मिला था, ठीक है, यहाँ कहीं पर ट्रेड मिला था। अगर हम लोग 5 मिनट की चार्ट में जाकर के देखें तो ये ट्रेड आपको यहाँ पर मिला था। और ये इंडिकेटर्स आपको नहीं पता तो कल के वीडियो आप जाकर के देख सकते हो मेरे, एक कल का और परसों का वीडियो देख सकते हो, उसमें ये इंडिकेटर जो है वो कम्प्लीटली मैंने सिखाया है। यहाँ से आप लोगों को ट्रेड जो है वो मिला और कम्प्लीटली ट्रेंड फॉलोइंग जो है वो आपको करने के लिए, देखने के लिए मिला होगा एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो अभी हम लोग 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करते हैं, एंट्री हम लोग 5 मिनट के चार्ट में ही प्लान करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोगों को रजिस्टेंस जो है वो 300 पर दिखाई दे रहा है। ये प्रीवियस जो एरिया है ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है, जो कि 22,300 320 के आसपास जो है वो बना हुआ है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो। और नियरेस्ट सपोर्ट जो है वो यहाँ पर फिर से हम लोगों को एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट नीचे आया तो इस एरिया का ब्रेकडाउन करके नीचे आना चाहिए। 15 मिनट्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं, 5 मिनट्स में एंट्री हम लोग प्लान करने वाले, तो यहाँ पर करीब करीब ये सपोर्ट एरिया बना हुआ है। अभी भी अगर ये एरिया ब्रेक डाउन करता है तो हम लोगों को एक सेलिंग का एंट्री मिलने वाला है, जो कि हमारा टारगेट जो रहेगा वो सपोर्ट एरिया तक हम लोग रख सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो इस एरिया का फर्स्ट टारगेट रहेगा, यहाँ तक 22,000 तक हम लोग प्लान कर सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक किया तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ तक उसको, इस सपोर्ट एरिया तक यानी कि 21,800 850 840 तक उसको होल्ड करके लेकर आ सकते हैं विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। तो सेलिंग के लिए ये प्लान है। यहाँ पर अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है 300 रेजिस्टेंस के एरिया पर, हम लोगों को एक पैटर्न देख करके प्राइस एक्शन के साथ हम लोग उसके अंदर सेलिंग जो है वो कर सकते हैं। 13 EMA में भी आप प्लॉट कर सकते हो क्योंकि रिजेक्शन का एरिया है, यहाँ से मार्केट जो है वो डेफिनेटली एक बार नीचे आना जरूर चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का निफ्टी के अंदर प्लान कर सकते हो। लेट्स मूव टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने रजिस्टेंस एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। ये ट्रेड करने के लिए बहुत आसान रहेगा, पहले इसका एलटीपी कैलकुलेटर में डेटा जो है वो बैंक निफ्टी का हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को सपोर्ट जो है वो 47,000 पर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, सपोर्ट स्ट्रांग है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, या फिर ये बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन रजिस्टेंस जो है वो 47,500 पर दिखाई दे रहा है। रजिस्टेंस 47,500 यानी कि रेजिस्टेंस को हम लोग ब्रेक करके 47,700 तक आ चुके हैं, ठीक है। 47,700 तक हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पर, देखने के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस हम लोगों को मिल सकता है। ब्रेकडाउन होने पर यहाँ पर, मैजिकल लाइन के ब्रेकडाउन होने पर यहाँ पर हम लोगों को एक सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, जो कि हम लोगों को
फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ तक का मिल सकता है 47,200, एंड देन फर्दर हम लोगों को ये लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है 47,000 का। एंड ये सारे लेवल्स अगर टूटते हैं देन हम लोग चेस करेंगे 46,700 को, और हमारा सपोर्ट एरिया जो है वो 47,000 का एरिया रहेगा सपोर्ट का। तो यही हमारा इमीडिएट सपोर्ट जो है वो होने वाला है, 47,000 का एरिया जो है अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को सपोर्ट का स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, 46,800, दैट्स इट, 47,000 तक हम लोग होल्ड करेंगे, यानी कि बैंक निफ्टी में हम लोग ये लेवल तक होल्ड नहीं करने वाले। अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो मैक्सिमम हमारा टारगेट रहेगा 47,000। ठीक है, यहाँ से एक पुल बैक अगेन हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ का आ सकता है, देन हम लोग पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ ट्रेड जो है वो लेने की कोशिश नहीं करेंगे। ऊपर का लेवल कौन सा ब्रेक होना चाहिए, तो 47,800 हम लोगों को ब्रेक करते हुए दिखना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम लोग बुलिश ट्रेड की तरफ जाएंगे और टारगेट रहेगा 48,000 का, और एलटीपी कैलकुलेटर में वीक टुवर्ड स्टॉप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होना चाहिए, या फिर सपोर्ट स्ट्रांग रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप जो है वो फ्रेश हम लोगों को लेवल दिखनी चाहिए। कहाँ तक, 48,000 लेवल तक, यहाँ तक ये अभी भी फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसका मैटर नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यू होना चाहिए, यहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है देन 47,800 अगर ब्रेक करता है लेवल, तो हम लोग चेज करेंगे 47,800 के ब्रेकआउट पर, हम लोग चेज करेंगे 48,000, यानी कि ऊपर के 200 पॉइंट्स का मूवमेंट इजिली हम लोगों को आता हुआ दिख सकता है। देन उसके बाद एक रेजिस्टेंस लेवल ले सकता है वहां पर मार्केट, इस तरीके का माहौल रहेगा। अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, आप लोगों को एक्सपायरी में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, बड़े मूव्स आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर, एक मिनट में रिमूव कर देता हूँ सब कुछ, ठीक है, और डेटा की तरफ चलते हैं। पहले डेटा मिड कैप निफ्टी का क्या बोल रहा है, इसका डेटा अकॉर्डिंग काम होता नहीं है एक्चुअली। 10,600 पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, और 10,700 से रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। तो मोटा मोटी ये अगर सिनारियो देखा जाए तो करंट सिनारियो तो साइडवेज का ही दिखाई दे रहा है, और इसका एक्सपायरी भी है, ठीक है, मंडे के दिन। तो इस सिनारियो में आप लोगों को ऑप्शन सेलिंग तो नहीं करनी है, हम लोग मिड कैप निफ्टी में ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं। ऑप्शन बाइंग का मौका तब मिलेगा आपको जब आपको ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया है इसने, ये अगर ब्रेक होता हुआ फ्लैट ओपन होकर के ये अगर ब्रेक होता हुआ ऊपर की तरफ दिखाई दे, तो आप लोग एक कॉल की तरफ का ट्रेड कर सकते हो। टारगेट रहेगा 10,900, 10,900 का आपका टारगेट रहेगा, जो कि बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे गिर रहा होगा, इस लाइन के अगर नीचे ट्रेड कर रहा होगा, जैसे कि अभी भी रेड बना हुआ है ये लाइन, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन जो है ये रेड बना हुआ है, इसके नीचे अगर कुछ जाता है तो हम लोगों को अगेन 10,575 का टारगेट जो है वो नीचे की तरफ बहुत तेजी से आता हुआ दिख सकता है, और हो सकता है ये लेवल भी ब्रेक कर जाए, सपोर्ट एरिया जो है ये भी ब्रेक करके नीचे सीधा 500 तक हम लोगों को मिड कैप निफ्टी जाता हुआ दिखे। तो पॉजिटिव ट्रेड कब करना है, कॉल के साइड का, इस लेवल का 700 के लेवल का अगर ब्रेकआउट आता है तो हम लोग पॉजिटिव की तरफ ट्रेड करने वाले हैं, और उसका टारगेट हम लोग मिनिमम 100 to 200 पॉइंट्स ऊपर की तरफ रखने वाले, ठीक है। दैट टू नहीं, आप एक 5 से 10 रुपए के आसपास का कॉल बाय कर सकते हो। अगर ये रेजिस्टेंस लेकर के ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम लोग जो है एक पुट की तरफ का टारगेट रख सकते हैं, बहुत तेजी से ये 10,500 के लेवल पर आ सकता है। एक पुट जो है 10 से 20 रुपए का आप खरीद सकते हो, मिनिमम 4 से 5 रुपए 6 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं हमें लगती है। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करोगे यहाँ पर आप मार्केट को चेस कर सकते हो। इतना एरिया जो है वो हम लोगों को कंसोलिडेशन का दिखाई दे सकता है, ठीक है, ये एरिया ऊपर का रेजिस्टेंस, ये नीचे का सपोर्ट, इसमें कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में कल मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट के अंदर, क्योंकि एक्सपायरी है। और अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें मिड कैप निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो बिल्कुल 10,700 पर स्ट्रैडल बना हुआ है, और स्ट्रैंगल का लेवल जो है वो 10,800 से लेकर 500 तक का है। तो करीब करीब हम लोगों को ये 8,000 के लेवल से 10,800 के लेवल से ये नीचे भी गिरता हुआ दिख सकता है 500 से, या फिर 500 पे आकर के 10,800 के लेवल पर भी जा सकता है। तो आप लोग जो है और एक एरिया मार्क कर लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का,
यहाँ पर 10,800 और 10,500 यहाँ कहीं पर अगर आपको मिलता है, अगर सपोज कीजिए आपको आपको सपोर्ट पर मिल रहा है, ये ट्रेड आपने मिस कर दिया मॉर्निंग का, कि ये अगर गिरावट में आ रहा होगा तो ये ट्रेड मिस कर दिया, तो 10,500 पर आप क्या कर सकते हो, एक रिवर्सल के ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो आफ्टर 12:30 के बाद, ठीक है। तो ये और मॉर्निंग में अगर ऊपर की तरफ जाता है, ये सारे लेवल ब्रेक करता है, तो यहाँ से देन आप पुट की तरफ एक प्लान कर सकते हो, 3 से 4 रुपए का पुट आप बाय करोगे, उसके लिए स्टॉप लॉस 50% का रहेगा, यानी कि जो भी कैपिटल आप लगा रहे हो 150-300 क्वांटिटी से ज्यादा की क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, उतना ही पैसा आप लगाओ जितना आप पूरा का पूरा कैपिटल 50% इरोड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 300 क्वांटिटी अगर आप बाय कर रहे हो 2 रुपए का, तो 600 रुपए का इन्वेस्टमेंट रहेगा, 300 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट होना हुआ तो उसमें भी आपको 5 से 10 हजार का प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये बड़े मूवमेंट करता है एक्सपायरी के दिन में। तो ये थॉट प्रोसेस लेकर के आप उसके अंदर सिर्फ 600-700-1000-2000 रुपए, दैट्स इट, इतना इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन इतना ध्यान में रखना, अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 1000 रुपए के कॉल या पुट बाय कर रहे हो, तो 500 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, पूरे 1000 रुपए नहीं देने हैं, ठीक है। 300 क्वांटिटी अगर बाय कर रहे हो, 2 रुपए वाला अगर बाय कर रहे हो आप, 600 रुपए लगने वाले, 300 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 300 रुपए ही हम लोग खोने वाले, 1000 रुपए पे 500 रुपए, 2000 रुपए पे 1000 रुपए, उस अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी परचेस करना, और 2 से 3 रुपए से ज्यादा प्राइस वाला कॉल या पुट बाय नहीं करना आफ्टरनून के बाद, 1:30-12 o'clock के बाद एक बड़ा मूवमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पूरी एक्सपायरी साइडवेज चली जाए, ठीक है। तो होने के लिए आपको उतना ही पैसा खोना है, हर दिन बड़े मूवमेंट नहीं आते, हो सकता है कल आ जाए, उसके लिए हम लोग चेस करेंगे मिड कैप निफ्टी को, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करो, अपना रिस्क मैनेज करो, और जो मैं बिजनेस मॉडल लेकर के आ रहा हूँ स्टॉक मार्केट का, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली ट्रेड होगा, रोबोट की तरह, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह आप ट्रेड करने लगोगे, और उसके बाद जो है आपके लॉसेस जो है वो होना कम हो जाएगा, देन आप प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनाने लग जाओगे। तो स्टॉक मार्केट का बिजनेस मॉडल जल्दी अपने चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, और अपने बाकी दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दो, और कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, उस पर जाकर के आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मैं मिलता हूँ आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।